इसे बोला जाता है इंग्लिश में बैम्बू। दोस्तों देखिए, दो भैंस देखिए पानी में तैर रहे हैं। चलिए आपको जूम करके दिखाते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज आपको हमारे गांव दिखाने वाले दोस्तों देखे थे, देखिए जो निशाना पे पकड़े हुए वो एक यूट्यूबर है, वो अभी घर जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखे थे, देखिए ये माड़ा है और देखिए यहाँ पे नाली बन चुके हैं। और दोस्तों देख सकते हैं कितना कचरा फैला हुआ है। और ये दोस्तों पंचायत भवन है। दोस्तों देख सकते देखिए वो हमारे गांव है और देखिए यहाँ पे ये नाली बन चुके हैं। और दोस्तों देख सकते देखिए काफ़ी हरा हरा मौसम है, आसमान देखिए मस्त नज़ारा है, पोखर है। और वहाँ पे देख सकते दोस्तों देखिए, दो भैंस देखिए पानी में तैर रहे हैं। चलिए आपको जूम करके दिखाते दोस्तों। और देखिए पूरा हरा हरा मौसम हो चुका है दोस्तों। और वो देखिए हमारे गांव का इस पहाड़ है, पंचायत भवन है इसके पीछे है, और यहाँ पे कचरा फैला हुआ है। और दोस्तों देख सकते देखिए गांव में अभी भी कोला है देखिए, और देखिए वहाँ पर वो घर का कोला है, और देखिए निशाना गड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देखिए नाली पूरा, देखिए कचरा यहाँ से निकल रहा है दोस्तों। देखिए अभी नाली देखिए दोस्तों ये बन चुका है, देखिए नाली बन चुका है। तो अब कुछ दिन के बाद ये नाली से पानी आने लगेंगे। तो दोस्तों चलिए आप लोग को हम अपने खेत दिखाते हैं, अभी किस तरह के खेत है, काफ़ी हरियाली है, काफ़ी अच्छा मौसम है दोस्तों। तो चलिए आप लोग को दिख, तो ये हमारे गांव के कुआं है, देख सकते हैं देखिए इसमें भी पानी देखिए भरा हुआ पानी दोस्तों। देखिए आपको दिखाते जूम करके। और दोस्तों देख सकते हैं देखिए यहाँ पे देखिए धान लगा हुआ है, और अभी देखिए पूरा सूख चुका है, देखिए पानी नहीं पड़ रहे दोस्तों, तो पूरा देखिए सूख चुका है। और दोस्तों देख सकते देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर छोटा सा बगीचा है, और एक ताड़ के पेड़ है। और देखिए आसमान का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं देखने में दोस्तों। देखिए पूरा बादल छाए हुए हैं, सभी लोग जानवर चरा रहे हैं, और देखिए कुछ लोग मोरी का भी ख्याल रख रहे हैं दोस्तों। देखिए ये बैर का कांटा है दोस्तों, आप लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं देखे होंगे। और दोस्तों देख सकते हैं ये बहुत पुराना पुल है, और यहाँ पे देखिए कितना घना है दोस्तों। और वहाँ पे देखिए उधर से रास्ता है, पानी का जाने का रास्ता है। ये भाई को कांटा कर चुके हैं, देखिए अभी कांटा निकाल रही है, कपड़ा में देखिए फंस चुके हैं, तो अभी ये भाई का कांटा निकल चुका है। और दोस्तों देख सकते हैं देखिए कितना लेतड़ा भरा हुआ है, पूरा लेतड़ा भरा हुआ है दोस्तों। फाइनली दोस्तों ये भाई चढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे एक पुल मिले थे, तो ये भाई लोग भी पार हो चुके हैं। तो देखिए वहाँ पे देखिए पत्थर उथल है, पानी थोड़ा थोड़ा है वहाँ पे, यहाँ पे बांस भी है जो काफी पुराना बांस है दोस्तों, पूरा देखिए ढेर बांस यहाँ पे है। और पूरा देखिए घना है दोस्तों, यहाँ इधर से पानी जाता है देखिए उधर। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बताएं कि ये ब्लॉग आपका कैसा लगा, तो फिर कहीं भी जाएंगे तो एक ब्लॉग करवा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जिस कुआं की बात कर रहे थे दोस्तों, वहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और हमारे पीछे देख रहे दोस्तों ये बांस है, ये दोस्तों बांस देखिए कितना पूरा भरा हुआ बांस दोस्तों, देखिए पूरा भरा हुआ बांस है। और इसे बोला जाता है इंग्लिश में बैम्बू। यहाँ पे देखिए मोरी भी देखिए लग चुके हैं, धान लग चुके हैं दोस्तों। और हमारे गाँव में अभी तक मोरी है, अभी सूख चुका है पूरा, और यहाँ पे देखिए धान लग चुके हैं। और दोस्तों देखिए वहाँ पे कुआं है, लेकिन अभी देखिए पूरा साफ कर दिया है वहाँ पे। तो चलिए आप लोग को वहाँ पे दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कहते देखिए यही कुआं है, और यहाँ पे देखिए ये खेत में देखिए दोस्तों सूख चुका है पानी, और ये खेत में दोस्तों अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। और देखिए यही कुआं है, देखिए इसमें पानी पूरा भरा हुआ है दोस्तों, और इसमें मछली भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं, बहुत कुछ रहते हैं इसमें दोस्तों। तो अभी देखिए इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अभी देखिए एक दो गो मेंढक है वहाँ पे, जैसे देखिए छोटे छोटे ताड़ है, और यहाँ पे भी देखिए ताड़ दोस्तों। और देखिए वो गाछ है दोस्तों, और वहाँ पे शीशम के गाछ है, और वहाँ पे दोस्तों आम के गाछ है। तो पूरा यहाँ पे देखिए हरा हरा है सब कुछ है, और पानी यहाँ से निकलते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें है, और देखिए पत्थर है दोस्तों, और यहाँ पे लगता है मछली उछली है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए कुछ झाड़ी उड़ी भी रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी है। देखो भाई इसमें मछली उछली होगा कि नहीं बताओ, नहीं रहा भाई। और देखो दोस्तों देख सकते हैं देखिए यहाँ से पानी निकलते हैं, हम सीधा जाते हैं पानी दोस्तों, बहुत दूर पानी जाते हैं कि ये दोनों देखिए ये जो पुल है इसमें वो डायरेक्ट फान के सोच रहे हैं कि चढ़ जाएंगे, तो देखिए अभी ये लोग चढ़ने वाले हैं।
तो दोस्तों फाइनली दोनों चढ़ चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए पानी है दोस्तों, इससे पटा पटा के दोस्तों धान लगाए और सामने देखिए पहाड़ दोस्तों, और यहाँ पे देखिए काफी हरियाली है और पूरा ये घना है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दे। गाँव की हरियाली दिखाएंगे दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।